नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी में भारत भवन में अद्वैत जागरण शिविर दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संतों की गरिमा में उपस्थिति में युवा शिष्यों को प्रमाण पत्र, आचार्य शंकर का चित्र, अंग वस्त्र, रुद्राक्ष की माला, श्रीमद् भागवत गीता भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अद्वैत वेदांत की सबसे सरल परिभाषा महाकवि तुलसीदास जी ने की। उन्होंने लिखा कि सिय राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सब कुछ तो सिय राम में है, सृष्टि के कण कण में वही विराजमान है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। हमारा भारत देश प्राचीन और महान है, हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास है हमारा। अद्वैत भारत के कण कण में है, भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। सीएम ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्मया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जन जन तक इस भाव को पहुँचाया। यदि आदि गुरु न होते तो भारत कई स्वरूप भी नहीं होता। उन्होंने अद्वैत दर्शन से लोगों को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बंधा मनुष्य तो एक ही है, लेकिन पशुओं में भी वही आत्मा है। गाय हमारी माता है, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सबके वाहन पशु है। वाहन विरासत से प्रेरित है आज का यह पवित्र अनुष्ठान, एक ऐसी परंपरा के प्रवाह का संकल्प जिसमें गुरु और शिष्य के सानिध्य में भारत के आदर्श जीवन मूल्यों की स्थापना के सुनहरे भविष्य का आश्वासन है। उसी तरह ये ज्ञान तब लेकर उपयोग नहीं जब पूरी जिंदगी जी चुके हैं, ये ज्ञान तो तब चाहिए जब जिंदगी शुरू कर रहे हैं। और इन सब युवा लोगों ने ये ज्ञान तब पाया है जब ये अभी अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं। अभिषेक मिश्र सृष्टि चौक से, वरुण कुमार मिश्रा, आदित्य कुमार शुक्ला, टीकाराम लोधी, अंकित सिंह, धवल रत्न पारखी, अश्विन बिरला, देवांशु शर्मा वशिष्ठ, ब्रजेंद्र धाकड़, रुद्रांश ओझा, श्रीराम पांडे, शुभम वर्मा, हिमांशु गोयल, नितिशा त्रिवेदी, श्रेया पांडे, विधि सिंह, दीपिका राजपूत। नदियां हमारे लिए बहती हुई जलवाह पानी है, उनमें भी तो वही है, गंगा सिंधु कावेरी यमुना चा सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र प्रार्थना माताएं हमारी नर्मदा मैया गंगा मैया क्यों पूजा है? उसी भाव को हमने देखा। अभी गोवर्धन पर्वत की बात आई थी, हिमालय हो सतपुड़ा हो विंध्याचल हो उनमें भी वो ये। और धीरे धीरे जब ये चेतना बढ़ती है तो हर जगह वही तो दिखाई देता है, पेड़ हो पौधे हो
नदियों पर्वत पहाड़ों में ग्रह नक्षत्र तारों में एक ही सत्ता के दर्शन होते हैं। मैं नहीं केवल तू। और जब ये भाव दृढ़मूल होता है और मन में ये विचार बैठ जाता है, आत्मसात हो जाता है कि मेरी कोई सत्ता नहीं है, वही है और वही मैं हूं, वो क्या होता, सो अहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं और मैं भी वही हूं, तू भी वही है, तो मुझे और तुझ में भेद कैसा। तो फिर सारे उठापटक शांत हो जाते, द्वैत मिट जाता है, फिर मनुष्य उसको जान लेता है, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। यही तो अद्वैत है। और मैं सच बताऊं, मैंने हम सब इसके रोज दर्शन करने की कोशिश करें। अब मेरे पास दायित्व दूसरा है, तो आजकल कई बार सवेरे 6:30 बजे मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जोड़ लेता हूं कलेक्टरों को, अधिकारियों को, हिसाब मांगने लगता हूं, बताओ ये क्या हुआ। कई बार पीठ भी थपथपाता हूं, कई बार कहता हूं सस्पेंड, लेकिन तब भी द्वैत नहीं आता, कर्तव्य पूरा नहीं हुआ तो फिर काय काम हुआ। मैं ना करूं तो मैं दंडित हूं, तू ना करे तो तू दंडित हो। सचमुच में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो संदेश दिया, कर्म का कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। उनने भी कहा कि मैं अगर कर्म करना छोड़ दूंगा तो दुनिया मेरे पीछे चल पड़ेगी। कर्म कैसे करो, निष्काम भाव से प्रेम करो, आत्मीयता का भाव रखो। इंसान मात्र एक है, लेकिन केवल यही नहीं कहा, मनुष्य तो एक है ही, लेकिन पशुओं में भी वही एक, वही आत्मा है। इसलिए गाय हमारी माता है। आप देखिए भारत ने कैसे व्यवहारिक रूप से किया, हमारे जितने भी देवता हुए, जब भक्त उनको पुकारता है, प्रार्थना करता है, तो गाय पे बैठ के आते हैं, भगवान विष्णु गरुड़ की सवारी करते हुए पधारते हैं। दीपावली आ रही, लक्ष्मी मैया आएगी तो उल्लू की सवारी करते आएगी, सरस्वती मैया हंस वाहनी है, गणेश जी मूसक राज पे विराजते हैं, भोले शंकर नंदी पे बैठ के पधारते हैं, दुर्गा मैया शेर की सवारी करती है। हर देवता का वाहन है, पशु उसका अर्थ क्या है, उनको भी आत्मभाव से देखो। दशा बता, मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूं, उनमें से चार को, तीन तो मत्स्य, कूर्म 12, ये तो उसी रूप में हुए पशु के रूप में, और चौथा नरसिंह, आधा मनुष्य आधा पशु, इसका अर्थ क्या है। उसी भाव को पशुओं में भी देखो, जीव जंतुओं में भी देखो, कीट पतंगों में भी देखो। अभी गोवर्धन पूजा आएगी दिवाली की, मैंने कहा कि गोवर्धन पूजा सार्वजनिक रूप से करेंगे, और इसलिए करेंगे कि भगवान कन्हैया ने प्रकृति और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया था। उन्हें कहा था ब्रिजवासियों से, उन्हें कहा था कि काय को इंद्र को पूज रहे हो, ये हमारा गोवर्धन पर्वत गौएं चरती है, बदले में दूध देती है, यह हमें औषधियां देता है, यह हमें फल देता है, इसकी पूजा करो। गोवर्धन पूजा मतलब पर्यावरण की पूजा। और इस बार हम भोपाल में सार्वजनिक रूप से करने वाले हैं, सब पर्यावरण प्रेमियों को बुलाएंगे। और केवल गोवर्धन ने अद्वैत को कैसे जिया है इस देश ने। संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि।
ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय स्वामी समानंद जी, ब्रह्मचारिणी मैत्रेय जी, अन्य सभी संत वृंद को मेरा प्रणाम। भगवत्पाद शंकराचार्य चरणानुरागी, और निरंतर उनको हृदय में रख के मध्य प्रदेश का शासन करने वाले सबके प्रिय शिवराज सिंह चौहान जी, मैं ऐसे ही विशेषण नहीं लगा रहा हूं। अद्वैत दृष्टि है वो समत्व की दृष्टि है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म सर्वत्र पंडिताः समदर्शिनः। समत्व की दृष्टि प्राप्त करना वही अद्वैत का तात्पर्य है। मैं समझता हूं पूरे भारत में एक ही मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने उनकी ऑफिस का नाम ही समत्व रखा है। और ये जो सूत्र से पूरे देश की सरकार चल रही है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रेम, वो मध्य प्रदेश में ही है। आदरणीय शिवराज जी, सभी शंकरवाद भगवतवाद चरणानुरागी भाइयों और बहनों, सामान्य रूप से आप ज्ञानेन्द्रिय से जगत को देखते हैं और फिर ज्ञान पाते हैं। इसको अंग्रेजी में कहेंगे यू सी यू हियर और यू स्मेल एंड देयरफॉर यू नो द वर्ल्ड। ये सत्य मनुष्य के अलावा सभी के लिए है। जितनी योनियां हैं पशु पंखी इत्यादि जगत को देखते हैं, उसका ज्ञान पाते हैं। बट मेडिकल साइंस के लिए दूसरा उल्टा है, यू नो देयरफॉर यू सी। आप बीमार होते हैं तो जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। हमारे भारत में जनरल फिजिशियन होते हैं ना, वो सबसे पहले ये पूछते हैं बहुत दिन के बाद दिखे। पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद्र योगींद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादम च हस्तामलकम च शिष्यम तम तोटकम वातिककार्य मन्यादस्मद्गुरुन् संततमानतोऽस्मि अस्मद्गुरुन् संततमानतोऽस्मि। मंचस्थ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो पूरे मध्य प्रदेश को शिवमय बनाने में सन्नत है, उनका अभिवंदन है। परम पूज्य स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी, ब्रह्मचारिणी मैत्री तेजचंद जी और शेखर जी, आदरणीय शेखर जी का हार्दिक अभिनंदन है। भारत भवन में विराजित आचार्य शंकर के दूतों का एवं सभागार में विराजित सभी महानुभावों का स्वागत है। न्यास के द्वारा सबसे पहले जब अद्वैत शिविर का प्रारंभ हुआ, उसके लिए संकल्पना को तैयार किया गया, तो न्यास द्वारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री शंबित सोमगिर जी महाराज जी के पास जब भी संदेश गया कि एक शिविर का आयोजन करना है, जैसे पूज्य स्वामी जी हमेशा ही युवाओं के प्रति हमेशा से प्रेममय और आदरमय रिश्ते से बंधे रहते थे, स्वामी जी तुरंत तैयार हो गए शिविर के लिए और उन्होंने शिविर के लिए अनेकों तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने इतनी अधिक तैयारी शुरू की कि हम जो कार्यकर्ता जो पूज्य गुरु जी के साथ रहते थे, हम परेशान हो गए कि स्वामी जी इतनी तैयारी की क्या जरूरत है। तो आपको छोटा सा डिटेल बताऊंगा आगे चलने के बाद। गुरु जी ने क्या शुरू किया, गुरु जी ने कहा कि सारे बच्चों के लिए चमनप्राश, सब बच्चों के लिए भैं, सब बच्चों के लिए भुजिया, सब बच्चों के लिए गौमूत्र, ये उनका किट बनाया गया। और वो किट और भी उसके साथ बहुत सारी पुस्तकें जोड़ी गई और जो बनते बनते हमको एक बड़ी गाड़ी लेके आनी पड़ी जिसको हम गीता रथ बोलते हैं, उसको लेकर के पूरे लेकर के हम चार जने उस गीता रथ में आए जिसमें पूरा सामान से लदा हुआ था। तो पूज्य गुरुदेव के
जो युवाओं के प्रति और जो न्यास जो कार्य कर रहा है उसके प्रति जो प्रेम था, जो भाव था, उसको उन्होंने उजागर किया अपने कार्य द्वारा। उन्होंने गुरु बच्चों को, जो भी युवा आए थे, उनको जीवन का लक्ष्य के बारे में बताया, अद्वैत को जीवन में कैसे अपनाया जाए, कैसे जीवन में उतारना है और अद्वैत को कैसे जिया जाए, उसके विभिन्न। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। मंच पर उपस्थित आदरणीय और बहुत प्रिय हमारे मुख्यमंत्री जी, परम पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी, परम पूज्य स्वामी रामानंद जी, शुक्ला जी, समानंद जी, शुक्ला जी और आप सब लोग, बहुत 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 प्रणाम और आनंद। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूं तो एक दर्पण के जैसे। दर्पण खुद कुछ नहीं दिखाता है, जो उसके सामने खड़ा रह जाए बस उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो यहां अगर मैं खड़ी हूं तो वो मेरे क्रेडिट से या मेरे योग्यता से नहीं, परंतु मेरे जीवन में मेरे सामने कोई ऐसे आ गए परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी, तो बस ये दर्पण थोड़ा अगर और साफ हो जाए तो वो रिफ्लेक्शन अच्छा हो जाएगा। तो मैं बस उनका जो गौरव है, आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ मिरर टू रिफ्लेक्ट हिज ग्लोरी। कहते हैं शास्ता, शासनकर्ता जो होते हैं, उनका काम केवल लोगों को काम बिजली देना या रास्ते बनाना इत्यादि नहीं होता है। ये करने के बाद आगे जाकर सबको प्रेरित करना, ये सबसे महत्व का काम है। और ये हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी सुंदरता से कर रहे हैं। केवल देखिए, ये जो पूरा प्रकल्प है ये हमको दिखाता है शुद्ध संकल्प की शक्ति क्या होती है। ये एक व्यक्ति का शुद्ध संकल्प नहीं है, ये एक व्यक्ति ने इतना शुद्ध और निस्वार्थ और इतना गौरवशाली संकल्प किया कि उससे कितने सारे लोग प्रेरित हो गए। हाँ, एक इतना बड़ा प्रकल्प हो रहा है, इतने सारे युवा लोग। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने इनके साथ 10 दिन गुजारे हैं और बड़े प्यारे बच्चे हैं, दे आर जस्ट सो वंडरफुल। और जैसे जैसे स्वामी जी ने कहा कि श्रद्धा भक्ति युक्त, कौन कहता है कि बुरे दिन है, ये युवा लोग हैं और इतना बढ़िया वेदांत पढ़ रहे हैं। ये हमारे ऐसे शासन करता है जो उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो इसीलिए एक शुद्ध और खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।